हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चिट चैट विद नीलम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपने मानसून टेरेस गार्डन की अपडेट, और आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरे प्लांट्स किस तरीके से चल रहे हैं और क्या ग्रोथ है मेरे प्लांट्स की, और किस तरीके से लाभ लगा रखी है उसमें। तो वही सब कुछ मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली मेरी वीडियो की इसकी अपडेट्स आपको मिल सके। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी पसंद आती है फ्रेंड्स, तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा एक सुंदर रूपा का प्लांट, आप देख सकते हैं सुंदर रूपा का प्लांट मैंने छोटा सा लगाया था और ये कितना बड़ा हो गया है। आप फ्लावरिंग भी कर रहे हैं। फ्लावरिंग का तो फ्रेंड्स ऐसा है कि आपको ना एक साथ सारी फ्लावरिंग ना दिखाई नहीं सकती, क्योंकि क्या होता है किसी दिन किसी प्लांट में बहुत अच्छे से फ्लावर्स आए हुए होते हैं और किसी दिन किसी प्लांट में बहुत अच्छे से फ्लावर्स आए हुए होते हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो उस दिन सब में फ्लावर्स आ रखे हों। और वैसे भी मेरी जो ये टेरेस है ये बिल्कुल ही टॉप फ्लोर पर है, तो धूप जो है ना यहाँ पर हमेशा ही बनी रहती है। कोई भी मेरी छत का जो टेरेस का पोर्शन है ना, ऐसा नहीं होता है कि धूप ना हो, तो उसका भी ना काफ़ी इफेक्ट पड़ता है प्लांट्स पर भी। जैसे पत्तियाँ जल्दी लग रही हैं, अभी भी बारिश के बाद जो है धूप बहुत तेज़ होती है, तेज़ धूप निकलती है एकदम, तो उसके कारण ना प्लांट्स की पत्तियाँ भी बर्न हो रही है और फ्लावरिंग पर भी इसका असर पड़ता है। तो आप देख रहे होंगे मेरे ये एरंथ्रम का प्लांट है। ये एरंथ्रम का प्लांट गर्मी में कितना खूबसूरत रहता है, इसकी जो पत्तियाँ हैं कितनी सुंदर और कितनी प्यारी प्यारी निकलती हैं, ब्राउन और फिर रेड। सबसे पहले तो ये रेड रेड होती है छोटी सी, जैसे कि ये देख रहे होंगे आप, और इसके बाद फिर ये वाला शेड आता है, फिर ऐसी हो जाती है ये। तो बहुत ही खूबसूरत लगता है ये रंग बिरंगा सा सुंदर सा प्लांट जो है। और इसके अलावा आप ये मेरे सारे प्लांट्स देख रहे होंगे कि किस तरीके से चल रहे हैं। टिकोमा का प्लांट है ये, और ये मोर पंखी है। मोर पंखी के भी जो पत्ती है ना इस समय बीच बीच में से सूख रही है, तो सीड्स है इसमें, सीड्स आए हुए हैं और सीड्स इसके पकने भी लग रहे हैं, क्योंकि मेरा मोर पंखी का प्लांट है। नीचे मैंने एक नया मोगरा का प्लांट लगवाया था, ये है एक। इसके अलावा ये कनेर है, कनेर में भी कभी कभी तो बहुत सारे फ्लावर्स आते हैं और कभी कभी थोड़े से ही फ्लावर्स आते हैं। बड्स और आई हुई हैं इस पर, आप देख रहे होंगे इसमें बड्स आ रखी हैं। वैसे एक ये प्लांट है, इसका मुझे नाम नहीं याद है क्या बोलते हैं इसको, इसमें भी देखिए तारिंग हो रखी है, वाइट कलर के छोटे छोटे से फ्लावर्स आए हुए हैं इसमें, और इसके बड्स देखिए कलियाँ इसकी किस तरीके से आई हुई हैं। ये भी बहुत सुंदर लगता है जब ये पूरा भरता है ना वाइट कलर का। और ये मेरा करी पत्ता है, करी पत्ता बिल्कुल टेढ़ा हुआ जा रहा है, इसको डंडी से भी लगा के धागे से भी बांध रखा है ना, तब भी ये टेढ़ा मेढ़ा सा हुआ जा रहा है, प्लांट दूसरे प्लांट के ऊपर ही आया हुआ है। इसकी भी ना देखिए, इसकी भी ना पत्तियाँ जले जा रही हैं धूप के कारण, कितनी पत्तियाँ। तो मैंने इसकी जो नई नई सी लीव्स आ रही है ना, जैसे ये नई नई लीव्स हैं, इस टाइप की नई नई लीव्स तो कल मैंने कितनी सारी इसकी हटाई हैं, कि धूप इतनी तेज़ हो रखी है इस समय और पत्तियाँ जो है नई नई वो सारी जल जाती हैं। फिर ये रियो प्लांट है, और ये सारे मेरे सिंगोनियम्स हैं। ये खीरा सिंगोनियम जो मैंने कटिंग के थ्रू लगाया हुआ था, इसमें दो तीन कटिंग एक साथ लगा दी थी मैंने। और ये वाला जो सिंगोनियम है इसमें से एक मदर प्लांट है, बाकी जो है कटिंग के थ्रू लगे रहेंगे। और जगह जगह मैंने ये आपके पर्पल हार्ट भी लगा रखे हैं, तो देखिए उसमें भी फ्लावरिंग आ रखी है पर्पल हार्ट में भी। अच्छे लगते हैं जब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं ना जो नीचे की तरफ नहीं फैलते हैं, ऊपर ही ऊपर फैलते हैं और पूरा गमला खाली रहता है, तो उसमें हम इस टाइप के प्लांट्स लगा सकते हैं जो नीचे नीचे फैलते हों, तो उसमें भी फ्लावरिंग होती है और ऊपर भी प्लांट जो होता है वो भी फ्लावर्स देता है, तो अच्छा लगता है, गमला भी अच्छा लगता है, प्लांट्स भी सुंदर लगते हैं। इसके अलावा ये हरसिंगार है, इसका भी सीजन आएगा, ये भी फ्लावरिंग स्टार्ट करेगा थोड़े ही दिनों बाद। ये लेंटाना है, लेंटाना में बड्स आ रही हैं ये देखिए। बाकी ये मनी प्लांट, और नीचे लिली है, लिली ने भी पीछे बहुत भर भर के फूल दिए थे। इसके अलावा ये सिल्वर डस्ट है, ब्रह्मी है, और ये मैक्सिकन पिटूनिया वगैरह हैं, और डक में पोटुला का लगा हुआ है।
ये येलो कलर का लेंटाना है फ्रेंड, कितना प्यारा लग रहा है ये। अभी तो इसमें जरा से फ्लावर्स हैं और बट सही नहीं, पूरा का पूरा फ्लावर से भर जाता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। ग्रीन और येलो का कॉम्बिनेशन बहुत ही सुंदर नज़र आता है। ये सॉन्ग ऑफ इंडिया ये मैंने प्लांट्स के बीच में इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ताकि धूप से थोड़ा सा बचा रहे, क्योंकि अगर मैं इसको अंदर भी कहीं रखती हूँ ना वहाँ भी नहीं चलता है, वहाँ फिर ही ना सफोकेशन के कारण प्लांट्स जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए इसको मैंने टेरेस पर ही रखा हुआ है। एक प्लांट इवन मेरा ख़राब भी हो गया है क्योंकि क्या होता था कि अंदर अगर कहीं रखती थी ना तो बहुत अच्छे से उनको हवा नहीं मिल पा रही थी, तो उसके कारण प्लांट्स जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं। फिर प्लांट्स को ऐसी जगह रखा जाता है इनडोर प्लांट्स को कि उनको अच्छी सी खुली सी हवा मिले, और हवा नहीं मिलती है तो प्लांट्स जो है ना फिर ख़राब हो जाते हैं। ये कोचिया हैं, कुछ कोचिया ज़्यादा तेज़ धूप में होने के कारण ना जल गए हैं, ख़राब हो गए हैं, और ये कोचिया बचे हुए हैं कुछ मेरे पास। और ये गुलाब के पौधे हैं रोजेस, इसमें भी गुलाब एक एक दो दो तीन तीन करके आते रहते हैं, कुछ मैं तोड़ लेती हूँ पूजा के लिए। और कुछ कलियाँ आई हुई हैं जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये बड्स आ रखी हैं और इसमें भी बड्स आई हुई हैं, ये भी अपनी ग्रोथ पर है। और पोर्टोला का तो आप देख ही रहे होंगे, ये नीचे अजवाइन का प्लांट है, और ये कैना लिली लगा हुआ है, इसने भी सीजन में बड़े अच्छे फ्लावर्स दिए थे। और ये पोर्टोला का तो इस सीजन में सबसे अच्छी फ्लावरिंग करता ही है, पोर्टोला का तो पूछो मत, पोर्टोला का लगा लेना तो फ्लावर्स ही फ्लावर्स नज़र आते हैं। बस इतना ज़रूर है कि जो देसी वाला जो होता है ना, देसी वाली जो वैरायटी होती है ये, जिसकी ये लंबी लंबी सारी स्टेम्स रहती हैं, ये जल्दी से इसके फ्लावर्स ना धूप होने के कारण, तेज़ धूप होने के कारण 12-1 बजे तक सारे प्लांट जो फ्लावर्स हैं ना वो स्पेंट हो जाते हैं। और लेकिन ये जो हाइब्रिड वाला होता है ना वैरायटी, ये वाली जो वैरायटी होती है इसकी, ये जो है ना ये इसके फ्लावर्स बन जाते हैं शाम तक, इसके फ्लावर्स जल्दी स्पेंट नहीं होते हैं। ये इधर अपराजिता है, एक वाइट कलर की है एक ब्लू कलर की है, वाइट अपराजिता में कल बहुत सारी फ्लावरिंग हो रखी थी, और ये इसके स्पेंट फ्लावर्स जो हैं वो लगे हुए अभी, ये मैंने निकाले नहीं है, ये निकाल दूंगी नहीं तो क्या होगा कि इसमें सीड्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे ये फली बनी हुई है। तो अभी सीड्स मुझे नहीं चाहिए तो मैं ये सारे इनके जो फ्लावर ये फ्लावर्स है ना ये निकाल दूंगी। इसके अलावा फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे सुदर्शन लगा हुआ है, जेट प्लांट है, रात की रानी है, और ये सदाबहार है। सदाबहार भी एक बहुत ही अच्छा प्लांट होता है, ये मेरे कटिंग ये मैंने ना सीड्स डाले थे तो सीड्स के थ्रू ये मेरे नए नए जो है ना सदाबहार निकल के आए हैं। ये मैंने वाइट कलर के जो सदाबहार थे ना उसके बीज संभाल के रखे हुए थे तो ये मैंने बो दिए थे, तो ये देखिए कितने सुंदर वाइट कलर के सदाबहार निकल के आए हैं। मुझे वाइट कलर के सदाबहार के फ्लावर्स बहुत सुंदर लगते हैं, जब रात होती है ना रात के समय भी ये दूर से ही चमकते हैं वाइट कलर के फ्लावर्स, इसलिए इतने खूबसूरत नज़र आते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे प्लांट्स कितने सुंदर नज़र आ रहे हैं। ये सारे सलोशिया लगा रखे हैं मैंने, जब सीज़न आएगा तो इसमें सब में फ्लारिंग होंगी तो ये बहुत अच्छे लगेंगे। इस पर ना सलोशिया पे ना अभी पीछे स्पाइडर माइट्स का अटैक हो गया था, और देखो सारे सलोशिया जो है ना मेरे बुरी तरीके से इंसेक्ट ने सारे काट दिए हैं, ये इसकी वजह से सारे के सारे में ना प्लांट्स में छेद छेद हो गए हैं पत्तियों में, इसके सलोशिया की जो पत्तियाँ हैं सब में ये होल होल हो गए हैं, ये इस तरीके से छेद हो गए हैं। तो मैंने इस पर स्प्रे कर दिया था इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर दिया था, उसके बाद जो मेरे प्लांट्स हैं ना थोड़े से सही हुए हैं। बरसातों में ये दिक्कत होती है, इंसेक्ट्स वगैरह स्पाइडर माइट्स इन सब का अटैक होता रहता है, तो टाइम टू टाइम हमें अपने प्लांट्स को चेक करके दवाइयाँ वगैरह जो भी हमें दवाई छिड़कनी है उसका ध्यान देना होता है, नहीं तो प्लांट्स हमारे फिर ख़राब हो जाते हैं। ये हिबिस्कस के प्लांट्स हैं, और ये इधर आप देख रहे होंगे सारी की सारी मेरी जो है ये जेट प्लांट लगा हुआ है ऊपर, और ये देखिए तुलसी जी हैं, सारी ही तुलसी जी हैं, जितनी भी वैरायटीज़ मतलब कि ये तो नहीं मैं बोलूँगी कि सारी ही हैं, लेकिन हाँ जितनी मैं ले सकती थी उतनी वैरायटीज़ हैं मेरे पास, रामा श्यामा लौंग तुलसी कपूर तुलसी मरुआ मोस्टली सारी तुलसी है मेरे पास, और इनकी खुशबू इतनी प्यारी होती है ना, इनकी फ्रेग्रेंस इतनी प्यारी होती है, हल्का सा इनको टच कर दो और उसके बाद इसकी जो खुशबू है ना काफ़ी टाइम तक हाथ में से आती रहती है, या हवा चलती है ना तो ये प्लांट्स हिलते हैं तो भी इनकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। बहुत ही अच्छे प्लांट्स होते हैं, ऑक्सीजन गिविंग प्लांट्स हैं, और
मेडिकेटेड वैल्यू भी इनकी अच्छी होती है, मेडिसिनल वैल्यू होती है इनकी। तो ये प्लांट्स अगर हम कई सारे लगा लेते हैं घर में तो अच्छा रहता है। ये मेरा टचवी नट का प्लांट है, ये देखिए इसमें भी फ्लावरिंग हो रखी है। इसमें ये देखिए तो प्यारा लग रहा है। ये भी इसके भी फ्लावर्स ऐसे लगते हैं जैसे मोती लगे हुए हों। और ये मेरी जेट प्लांट पर्पल हार्ट है। और इसके अलावा फ्रेंड्स इधर है कुछ प्लांट्स मेरे, ये अलामांडा है येलो कलर का, इसमें भी फ्लावरिंग हो रखी है। और बर्ड्स भी देखिए कितनी सारी आई हुई हैं इसमें। और अलामांडा में ही मैं पर्पल हार्ट, मैंने पीछे कितनी कितनी बार मैंने इस पर्पल हार्ट को ना पूरा पूरा निकाल दिया है, और उसके बावजूद भी इसमें देखो कितना पर्पल हार्ट भर भर के आ जाता है फिर से। और ये मैंने आम के प्लांट जो गुठलियाँ लगाई थी ना वो हैं, ये देखिए जितनी गुठलियाँ लगाई थी सारी की सारी आ गई हैं। ये देखिए घास उगी हुई है, वीड्स उगाती हैं। इसके अलावा ये फ्रेंड्स एक ये भी मेरा अलामांडा का ही प्लांट है, आप देख रहे होंगे इसको, इसमें भी बर्ड्स आनी स्टार्ट हो गई हैं। इसमें भी पीछे फ्लावर्स आ चुके हैं और उसके बाद अब दूसरी बार इसमें बर्ड्स आनी स्टार्ट हो गई हैं। वैसे भी बहुत ही सुंदर सा फ्लावर आता है। और इसके अलावा ये नीचे अपराजिता के मैंने बीज डाल दिए थे तो ये अपराजिता के प्लांट्स निकले हुए हैं। और इधर ये एलोवेरा है, एलोवेरा के भी मैंने इस बार ना कई सारे प्लांट्स निकाल निकाल के फेंके क्योंकि छोटा सा गमला था, ये वाला छोटा सा गमला था और इसमें कई सारे एलोवेरा और 10-12 प्लांट मेरे हो गए थे इसमें। तो मैंने इसको खाली करके इसमें केवल एक लगाया है और एक इसमें लगाया है, बाकी मैंने सारे जो एलोवेरा थे कुछ बांट दिए और कुछ हटा दिए। और ये पत्थर चट्टा है, और ये मिंट लगा हुआ है पुदीना, और ये आप चंपा देख ही रहे होंगे इधर, ये चंपा का प्लांट है मेरा। ये जामुन लगे हुए हैं, उसके अलावा ये ट्रेसिना की एक वैरायटी है, और इसी में मैंने वंडरिंग जू लगा दी थी छोटी सी एक कटिंग, और ये कितना सुंदर फैला हुआ हो रखा है इस समय। नीचे कुछ गुलदाउदी की कटिंग्स लगाई हुई हैं, कुछ ये मेरे क्लांचो हैं, तो इस तरीके से मैंने कुछ कटिंग्स लगाई हुई हैं, वो भी चल रही हैं, ग्रो हो रही हैं, तैयार हो रहे हैं प्लांट्स। और इसके अलावा यही कुछ प्लांट्स थे मेरे टेरेस पे जो कि मैंने आपको शेयर किए हैं। ये रंग मेरी गिलोय की बेल है, और पूरे टाइम मेरी छत पर धूप रहने के कारण ना मेरी जो गिलोय की जो पत्तियां हैं ये काफ़ी मात्रा में ये देखो जल जाती हैं, ऊपर भी आपको सूखी सूखी पत्तियां दिखाई दे रही होंगी, क्योंकि गिलोय का जो प्लांट है ना कि थोड़ा सा ये होता है कि 3-4 घंटे की धूप मिले उसके बाद छाया में रहे तो ज़्यादा सुंदर होता है ना प्लांट, पत्तियाँ ज़्यादा सुंदर रहती हैं, हरी भरी रहती हैं। लेकिन मेरे साथ क्या है, मेरी जो टेरेस पर है ना फुल टाइम धूप रहती है, पूरे टाइम सुबह से लेकर शाम तक धूप ही धूप रहती है, तो इसके कारण मेरी जो पत्तियाँ ना आपको इस तरीके की दिखाई दे रही होंगी। इसके अलावा ये मेरा चाइना पाम है, आप इधर देख रहे होंगे ये चाइना पाम है कितना सुंदर हो रखा है ये। और ये नीचे ब्रह्मी है जो मैंने अभी इसकी कटिंग लगाई थी, तो इसकी कटिंग लग गई है। तो यही फ्रेंड एक छोटा सा वीडियो था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना था अपनी प्लांट्स के अपडेट का, कि मानसून सीजन में प्लांट्स मेरे जो हैं किस तरीके से ग्रो हो रहे हैं या मेरे प्लांट्स की क्या अपडेट है। तो अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो फ्रेंड्स तो मेरे वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैप्पी गार्डनिंग।